आइए हम देखते हैं गोभी की सब्जी की रेसिपी। और ये है मेरी आंटी जी। इसमें पड़ा है जीरा, अब इसमें डाली हूँ आलू, ये बाहर आ गया, इसको हम डालेंगे टोइंग। एक तरफ चाय भी पक रही है, शाम का समय है, चाय तो बनती है। अब हल्दी डालिए जी, वो रहा मसालेदानी हल्दी और नमक। ओके ओके, थोड़ी देर पकाया, अब इसमें प्याज डाल दिया जी, और प्याज डाल के स्लो कर दिया जी। इसमें लहसुन पीस के डाल रही हूँ। लहसुन बाद में इसलिए डाल रही हूँ कि पहले ही डाल देते ना जी काला हो जाते हैं लहसुन। अच्छा, ज्यादा काला काला कलर हो जाते हैं सब्जी का। अच्छा, तो अभी डाला ना भी फ्राई तेल के साथ में हो जाएगा। अच्छा, तो इसको 2 मिनट ढका है मैंने जी, 2 मिनट फ्लावर डालने का, क्योंकि आलू को पकने को टाइम लगता है जी, और फ्लावर जल्दी पक जाते हैं। ये रहा हमारा फ्लावर। हाँ, धो के थोड़ा सा गर्म पानी में धोने का। अच्छा, गर्म कीटाणु ना हो। सही बात है। 2 मिनट पकाया, अभी और लहसुन भी ऐसे पक गया है, देख ब्राउन होने में। लहसुन पहले ही डाल देंगे तो जल जाता है ना जी, तो ऐसा आलू के साथ में ऐसे ही फ्राई कर देने का, प्याज और लहसुन ही लेकर हो गया। अब इसमें फ्लावर डाल दिया, फ्लावर पड़ा है, अभी टमाटर पड़ा है, अभी मैं इसको हिला रही हूँ। हाँ, अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला है जी, ऐसे सिक्की ड्राई हो। ओके, अभी मैंने हिलाया है, अभी मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा सब्जी मसाला। ओके, इसको अच्छे से स्टार कर देंगे हम। आप भी बोलते जाइए ना जी। देखिए कलर बहुत अच्छा आ रहा है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, वेरी टेस्टी, खाने में बहुत स्वाद आएगा इसमें, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है और स्लो आंच पे पकाई है। ओके, डन। अब हम ये धनिया इसमें ऐड करेंगे, पहले इसको 2 मिनट के लिए फास्ट कर देंगे। ओके, देखिए सब्जी कलर आ गई है अच्छे से, वाह खुशबू बहुत अच्छी है गाइस, बहुत गर्म पक भी गई है, देखो एकदम अच्छे से क्रंची आ रही है ना कलर जी। और मैंने इसको स्लो आंच पे बनाई है, ज्यादा कुछ मसाले भी नहीं डाले हैं, आप देखिए। और अभी आप मेरी सब्जी का कलर भी अच्छे आए हैं, ज्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा रेसिपी। देखिए अभी ये पूरी इस तरह से हो गई है, अभी हम इसको गैस बंद कर देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं, अब ये खाने को तैयार है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच।